कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। हम तेरे शहर में आए हैं हा विशेष असा गझलांचा कार्यक्रम आज आपल्या समोर सादर होतोय। आणि कलाकार आहेत, युवा कलाकार, युवा गायक, लोकप्रिय गायक आहेत जगदीश चव्हाण। झी युवा वाहिनीवरील युवा सिंगर एक नंबर या रियालिटी शो मधले ते फायनलिस्ट आहेत। त्याचप्रमाणे सोनी मराठी वाहिनीवरील इंडियन आयडॉल मराठी या स्पर्धेतले ते उपविजेते आहेत। या व्यतिरिक्त अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानितही करण्यात आलं आहे। देश विदेशात सांगीतिक कार्यक्रमासाठी जाण्याचा त्यांना योग आलेला आहे। तसेच अभिनय क्षेत्रात विजयी भव या मराठी चित्रपटातही त्यांनी मुख्य भूमिका साकारली आहे। नाशिकचेच गुरुवर्य पंडित शंकरराव वैराखकर सर यांच्याकडे त्यांचं गाण्याचं शिक्षण झालं आहे। आणि आज मुंबईमध्ये एक स्वतःचं असं स्थान वेगळं निर्माण करणारा आपल्या नाशिक जिल्ह्यातला कलावंत म्हणून त्याची ओळख आहे। आपण त्याचं मनपूर्वक स्वागत करूया। तबल्यासाठी युवा कलावंत कौस्तुभ तळेकर साथ संगत करतो। मी ॲडव्होकेट विलास लोणारी कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे सल्लागार यांना विनंती करतो की त्यांनी कलावंतांचं स्वागत करावं। सर्वप्रथम सगळ्यांना नमस्कार। मी मला जास्त बोलता येत नाही पण गातो। आणि खूप खूप धन्यवाद दिले आमच्या सर्व कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान यांना आणि विशेष करून माझे गुरुजी म्हणजे सरांनी मोठ्या गुरूंचं नाव घेतलं आमचे आप्पा शंकरराव वैराखकर सर। आणि मी माझं कॉलेजचं शिक्षण म्हणजे BA म्युझिक सरांच्या हाताखाली केलं आहे। सरांनी स्वतः शिकवलं आहे आम्हाला। तर माझे गुरुजी पंडित मकरंद हिंगणे सर देखील सुद्धा आहेत। सुरू करतो गुलाम अली साहब यांच्या गझलीने। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, रे 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 अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर आँखों से लगाता क्या है, एक नजर तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर आँखों से लगा
मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरी, मेरी रुसवाई गम गनी सद गम धनी ध गम गनी मेरी रुसवाई nida gamada gama re re madani de gamare nida mare ma pada gamare nida nisa gama danisa meri rusupa meri वो भी है बराबर कशरी मेरी रुसवा मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर कशरी मेरी रुसवा मेरी रुसवा मेरी रुसवा मेरी रुसवा वो भी है बराबर कशरी मेरे किसे मेरे यारों को सुनाता क्या मेरे किसे मेरे किसे मेरे यारों को सुनाता क्या है एक नजर में तरफ के तेरा जाता क्या है अपनी तस्वीर सफरे शौक में क्यों कांपते हैं पांव तेरे सफरे शौक गमरे रे गमदनी न गमरे रे गम गरे गम पम गरे मग सद नि स ग म ज नि ज ग ज नि ज द नि ज नि ज नि ज ग म नि द म ग म ग म ग स ग म द नि ज स ग म द नि ज स ग म द नि ज मे ति जु स आ सफरे शौक सरे ज ग नि ज ग ज नि ज द नि ज नि ज नि ज ग म नि द म ग म द ग म ग स नि ज द नि ज ग म स ग म द ग म द नि ज नि ज द नि त नि द म ग स मे सफरे शौक में क्यों कांपते हैं पांव तेरे
आँख रखता है तो फिर आँख चुराता क्या है एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाना क्या है अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता थैंक यू. गजल फार मोठी आहे, जवळजवळ अर्धा एक तासाची गजल आहे. त्याच्यातले की दोन अंतरे भरपूर झाले. हा करू. सुरुवात झाली ना आता पुढे एक हा वा प्रसिद्ध गजल आहे चुपके चुपके राहते दिन आपल्याकडे सादर. किसी के कान में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा हमें हीरो से मतलब क्या क्योंकि मेरा यार है खुद हीरा आंसू बहाना याद है.
हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खेच लेना वो मेरा पर्दे कोना दफ़तन, खेच लेना खेच लेना खेच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़तन 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 खेच लेना खेच ले देखा कोना दफ़तन और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, सन सर सद सद निर 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 सदो घर सन सर सद निर सर सद दो पैर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे वो नंगे पांव तेरा कोठे पे वो नंगे पांव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना।
याचं वय फक्त 20 वर्ष आहे. फार सुंदर वाजव. बैरुखी के साथ बैरुखी बैरुखी गरे निज पमग सनिज पमग सनिज सुनना दर्द दिल की दास्ता वो कलाई मैं तेरा कंगन घुमाना याद है वो कलाई पर देख दा धनी रे सा धनी रे सा वो कलाई मैं तेरा वो कलाई मैं तेरा कंगन घुमाना हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू अशी दाद दिली तर अजून ते नवीन नवीन काहीतरी निघतं गळ्यातून. आणि सरांनी मला सांगितलं होतं की हा सिंहाचा कळप आहे, लक्षात घे. हा सिंहाचा कळप छोटा असतो पण फार सिंह तर सिंहच असतो. लक्षात हा तेच हा एक गोलामली साहेबांचीच गजल आपल्या पुढे सादर करतो. दिल में एक लहर सी उठी है अभी समोर आमचे गुरुजी बसले त्याच्यामुळे थोडी भीती वाटते गायला. कागा सब तन खाइयों में मोहे चुन चुन खाइयो मास दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन किया दो नैना नैना नैना
हवा चली है अभी
भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताजा हवा चली अभी, दिल में एक लहर 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 सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। रे फार सुंदर गातात आमचे सर हर्षद वडजे सर, फार सुंदर गातात आणि ते काकासाहेब वाघ या शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षक देखील आहेत, संगीत शिक्षक आहेत विशेष करून। अरे वाचलेली ऐकलेली माणसे गेली कुठे, पुस्तकातून पाहिलेली माणसे गेली कुठे, रोज अत्याचार होतो, अत्याचार होतो आरशावरती, आता आरशाला भवलेली माणसे गेली कुठे, अंदाज आरशाचा वाटे खरा असावा, अंदाज आरशा वाटे खरा असावा, बहुतेक माणसाचा, बहुतेक माणसाचा तो चेहरा असावा, अंदाज आरशाचा वाटे खरा असावा। काठावरी उतरली स्वप्ने त
तहानलेली सगम बम ग ग ग ग सगम रनि रनि पम पदम बम ग ग ग म ग रे नि सगम काठावरी उतरली स्वप्ने तहानलेली काठावरी स्वप्न तहान डोळ्यात वेदनेचा डोळ्यात वेदनेचा माझा झरा असावा अंदा वाटे खरा असा जखमा कशा सुगंधी हे जास्त फेमस आहे जखमा कशा सुजली झाल्यात काळ झाला ग ग म ग स स प म रे मननी नम ग प म ग रे स ग म प नि म प नि द द क म द क प प द प प ग म प म ग म ग स ग म प नि द ग म प नि द ग म प नि द ज ख म कशा सुगंधी झाला कळ झाला जखमा कशा फार सुंदर अर्थ आहे या गझलचा जखमा कशा सुगंधी झाल्यात काळ झाला केले असाव अंदाज हर्षाचा वाटे खरा असावा बहुतेक माणसाचा बहुतेक माणसाचा तो चेहरा असा माटे खरा असा अंदा धन्यवाद आईन वेळेला असं नवीन काहीतरी आलं का मग गडबड होती चालेल चालेल नक्की थँक्यू थँक्यू नाही हे चांगलं होतं ना मग ठीक फार सुंदर गझल आहे मेहदी हसन खाब साहब यांची गझल आहे
हम ही में थी ना कोई बात याद न तुमको। विशेष करून कौस्तुभची फार आवडती गजल आहे। हम ही में थी न कोई बात याद न तुमको आ गए। हम ही में थे न कोई बात याद न तुमको आ सके। तुमने हमें भुला दिया, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। हम ही में थे न कोई न सुन सके अगर किस्सा है गम सुनेगा कौन। तुम ही न सुन सके अगर तुम ही न सुन सके किस्सा गम सुनेगा कौन। किसकी जुबान खुलेगी फिर, किसकी जुबान खिलेगी फिर। हम ना अगर सुना सके, हम ही में थे न कोई बात, हम ही में थे न कोई बात याद न तुमको आ सके। शोक विशाल है यहाँ, लब पे सवाल है, शौक विशाल है यहाँ, लब पे सवाल है यहाँ, शौक विशाल है यहाँ, लब पे सवाल है, शौक विशाल लब पे सवाल है यहाँ। किसकी मजाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ, हमसे नजर मिला सके। किसकी मजाल है यहाँ, हमसे नजर मिला सके। हम ही में थे न कोई बात याद न तुमको आ सके। रौन के रोने
रौनक है, रौन के बज्म बन गए लब पे हकीकत रहे, रौनक है बज्म बन गए गमर सगमर गमर रे गम सनद निद मद निद निजग सगम निजग रौन के बज्म बन गए लब पे हकीकत रहे दिल में शिकायत रहे दिल में शिकायत रहे लब ना मगर दिलास के हम ही में थे न कोई बात याद न तुमको आस के तुमने हमें भुला दिया तुमने हमें भुला दिया हम सके हम ही में थे न कोई बार re 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 na re na re re na re re na re पहले 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 से मरासिम न सही फिर भी कभी तो मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मो रहे दुनिया निभाने के लिए रंजिश सही दिल की दुखाने लिए रंजिश सही किस किस को बताएंगे जुदाई
का सबब पामा पामा करेगा बनी पामा सने बनी करेगा करे धनी 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 पामा करेगा पामा गामा करे धनी 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 किसको बताएंगे जुदाई का सबब किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब तू मुझसे फार सुंदर शब्द है तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश सही। ही गजल तबल्यावर पण गायली जाते पण मला जास्त सुकून किंवा जास्त आनंद हा न वाजवल्यानेच मिळतो या गजलीमध्ये, त्यामुळे मी शक्यतो शक्यतो मी स्वर धरून ही गजल गात असतो प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये। दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सहे अब तक दिल ये खुश फहम को है तुझसे सानी मगर निद मरे पामा रे मरनी रे मगर निद मरे मदनी सनी द मरे पामा गरे निद रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही। धन्यवाद। फार सुंदर गजल आहे। दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकड़ फेंका होगा, गुलाम अली साहब यांची गजल आहे। अंदाज अपने देखते हैं
अंदाज अपने देखते आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो चंद कलियां निशात की चुन कर मुद्दतों में हैरयास रहता हूँ तेरा मिलना खुशी की बात सही तेरा मिलना खुशी की बात सही तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ दुख की लहर ने छेड़ा हो दुख की लहर ने छेड़ा हो याद ने कंकर फेंका हो फेंका हो दुख की लहर ने छेड़ा हो धगमग सगम दुख की लहर ने छेड़ा याद ने कंकर फेंका होगा दुख की लहर ने छेड़ा आज तो मेरा दिल कहता है आज तो मेरा दिल कहता है आज तो मेरा आज तो मेरा दिल कहता है तू इस वक्त अकेला होगा तू इस वक्त अकेला होगा याद ने कंकर फेंका होगा याद ने कंकर दुख की लहर ने छेड़ा होगा मेरे चूमे मेरे चूमे हुए हाथों से मेरे चूमे हुए हाथों से मेरे चूमे हुए मेरे
औरों को खत लिखता वो है, औरों को खत लिखता वो है, याद ने कंकर फेंका दुख की लहर ने छेड़ा होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा। यादों की जलती शबनम में सगम दगम, यादों की जलती शबनम से फूल सा मुखड़ा धोया होगा, फूल सा मुखड़ा धोया होगा, याद ने कंकर फेंका होगा, दुख की लहर ने छेड़ा 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 होगा, छेड़ा होगा, छेड़ा। धन्यवाद। आपल्या कार्यक्रमाचं जे नाव आहे हम तेरे शहर में आहे, ती गजल आपल्या पुढे सादर कर दू। बरसन लागे बरसन लागे सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे ना मोराजिया, प्रेम हवाए धीमी धीमी, प्रेम की बत्तिया मीठी मीठी, प्रेम हवाए धीमी धीमी, प्रेम की बत्तिया मीठी मीठी, बरसन लागे बरसन लागे सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे,
आमचे सर फार सुंदर हसतात. मी सरांकडे बघून प्रसन्न होत असतो कायम. अपनी आंखों गरे गरे सरे गप गरे गरे सरे गरे गरे दसर गरे गरे सरे गप दा 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 गप गरे गरे दसर गरे दसर गरे गरे सरे गप दा दा अपनी आंखों में छुपा रखे जुगनू मैंने अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे हम तेरे शहर हम तेरे शहर आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले आज इजहार ख्यालात का मौका दे दस पद गबर गर दसारम हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह
याच्यामध्येच अजून एक गजल आहे, गुलाम अली साहेब यांचीच आहे. जब तेरी राह से हो गुजरे, जब तेरी राह से हो गुजरे, आँख से कितने ही मंजर गुजरे. जब तेरी राह से हो गुजरे, भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था. सरे गरे सरे गरे 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 सरे गा गरे गरे सरे सरे गरे गरे sare gare sare gare sare gare sare ga 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 gare sare ga ga gare ga ga gare sare gare re da sare sa da pa da sare ga pa na na pa sa ga ba da re da sa bhul na tha to ikrar kiya hi kyun tha bewafa tune mujhe pyar diya hi kyun tha sirf दो चार सिर्फ दो चार सवाल का मौका दे दे. हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे. हम तेरे शहर आए मुसाफिर, धन्यवाद. आमच्या सरांची फार आवडती गजल आहे, सर मला कायम म्हणायला लावतात. गुलाम अली साहेब आणि आशा दीदी यांनी दोघांनी गायलेली आहे. दर्द जिंदगी ने
भर दिए तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया मिला नहीं तो क्या हुआ वो शायद तो दिखा चराग सा जला सफेदियाँ ये तो पहर की जर्दियाँ ये सुबह की सफेदियाँ ये तो पहर की जर्दियाँ अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया अब आईने में देखता मैं कहाँ चला गया मिला नहीं तो क्या हुआ वो शायद तो दिखा गया तैयार दिल की रात में चराग सा चला ये खुशी ये खुशी की रेत पर ये खुशी की रेत पर गमों को नींद आ गई वो लहर किस तरफ गई ये मैं कहाँ समा गया वो लहर किस तरफ गई ये मैं कहाँ समा गया मिला नहीं तो क्या हुआ ये शर तो दिखा गया दयार दिल की रात में चराग सा जला गया दया दिल की रात में चराग सा जला एक वेगळी गजल आपल्यापुढे सादर करतो पंजाबी गजल आहे
सोनिए तेनु मैं प्यार करा अखियां नु तेरे सोने मुख तो हटा के अखियां नु तेरे सोने मुख तो हटा के क्यों गुनागार करा सोनिए तेनु मैं प्यार करा सोनिए अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के क्यों गुनगार करा सोनिए तेनु मैं प्यार करा सोनिए तेरियां जुदाइयां दा मैं पल पल गिनदा डोली बीच बैके तेरे आन वाले दिन दा ओ तेरियां जुदाइयां दा मैं पल पल गिनदा डोली बीच बैके तेरे आन वाले दिन दा सोनिए इंतजार करा अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के क्यों गुनगार करा सोनिए तेरे सानू प्यार दा सुरूर नी ए हो जिया तेरे सानू प्यार दा सुरूर नी दुनिया च बैके तेरे दुनिया ते दूर नी सोनी मैं तो दीदार करा अखियां नू तेरे सोने अखियां नू तेरे सोने मुख तो हटा के क्यों गुनगार करा धन्यवाद. चला एक हंगाम आहे की उभरपा एक दोन अंतर गातो फार मजा आहे त्याच्यात पण. सलूना सजन है और मी गात नाही अगं जास्त ती कारण ते सलोना ससजन है और मैं
आता तू सांगितल्यामुळे मी एवढी लाईन तुझ्यासाठी गायली, पण मी कधीच गात नाही ती गजल. पुढच्या वेळेस, हा पुढचा कार्यक्रम तुम्ही ठेवा मग गाऊ. हा कारण तसं काहीच नाही, पण आता असताना की ठीक आहे, कारण तसं काही विशेष नाही. हा नाही असं काहीच नाही, असं काही. आता कसं आहे, गझल म्हणजे फार फार गझल आहेत. आता मी जर काही रेअर गझल इथे गायला देत तुम्हाला माहीत पण नसतील काही, असं आलं का लक्षात? ज्या ज्या माहिती आहे त्याच मी आपल्या पुढे सादर करतो. हंगामा आहे क्यू बरपा आणि त्याच्यानंतर आपण थांबूया. धन्यवाद. हंगामा है क्यों बरपा. हा वाजवायला तयारच असतो. थोडी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है. हंगामा है क्यों बरपा. Thank you.
धन्यवाद सगळ्यांना, फार आनंद दिला तुम्ही पण, आणि वाह खूप खूप धन्यवाद सरांना पण. माझी आवडती आणि तुमची पण आवडती बघा तुम्ही. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सम हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सम हो गए. पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सम हो गए. दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयां, दिन ब दिन बढ़ती इस हुस्न की रानाइयां. पहले कुल फिर कुल बदल, फिर कुल बदामा हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो गए. आप तो नजदीक नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए. पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो गए. धन्यवाद. आता काहीच म्हणणं का सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद, आणि स्पेशल थँक्स आमचे गुरुजी आमचे सर पंडित मकरंद हिंगणे सरांना खूप खूप धन्यवाद दिले, त्यांनी मला ही संधी आपल्या पुढे गझल गाण्याची दिली. खूप खूप धन्यवाद सर. आणि सगळेच हे गुणीजन मंडळी इकडे बसले, आमचा हा केतन इनामदार फार सुंदर गातो, फार शास्त्रीय संगीतामध्ये फार चांगलं नाव करतो, सरांचाच विद्यार्थी आहे. इकडे आमचे हर्षद वडजे सर आहेत, आमचे बंधूच आहेत, मित्रच आहेत. ते पण फार सुंदर, फार भावगीत भक्तिगीतापासून तर शास्त्रीय संगीतापासून गझल कवालीपर्यंत ते सुद्धा गातात, त्यामुळे अशी लोकं ऐकायला आलीत म्हटल्यावर आमचं पण भाग्य येत असतं. खूप खूप धन्यवाद तुम्हा सगळ्यांना पण धन्यवाद. विशेष करून कौस्तुभसाठी एकदा जाता जाता टाळ्या, कारण फार सुंदर तयारी.